वकांडा फॉरएवर। यार मैंने देखी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और मैं अभी बहुत इमोशनल हूँ एंडिंग के बाद। मूवी का एनालिसिस तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन जो चैडविक बोजमैन की कमी फील हुई है ना, जो मैं चाह रहा था टिचाला चैडविक बोजमैन को वो प्ले करते हुए देखना अगले 15 सालों तक। हालांकि हमें पता ही था शुरू से, जब से ये मूवी स्टार्ट हुई थी, कि वो नहीं होंगे इस मूवी में। बिफोर द शूटिंग स्टार्ट ही पास्ड अवे, और फिर उसके बाद डायरेक्टर को दोबारा से पूरी मूवी लिखनी पड़ी। यार मैं लिटरली रोया हूँ मूवी के एंडिंग में। ब्लैक पैंथर 1 में भी मैं रोया था, जब उसके एंड में किल मोंगर की डेथ हुई थी और वो म्यूजिक चला था। पूरा सीन दिखाया गया था कि वकांडा की सुबह सबसे खूबसूरत सुबह होती है। तो इसमें भी जब, यार मैं ऐसे ही बंदा हूं, मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि यार हम चैडविक बोजमैन को दोबारा नहीं देख पाएंगे एज ब्लैक पैंथर, और मैं ऐसे ही बंदा हूँ यार, मैं रो पड़ता हूँ करेक्टर्स के लिए, बच्चा ही हूँ मैं दिल से। और मूवी देखते टाइम मैं 3 बार रोया हूँ। ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर मूवी थी, सबको पता है कि चैडविक बोजमैन की डेथ के बाद मूवी को और तरीके से लिखा गया। स्टार्टिंग के 50 मिनट तक मुझे मजा नहीं आ रहा था मूवी में, मैं बहुत मिस कर रहा था ब्लैक पैंथर को, क्योंकि हमें ब्लैक पैंथर देखने को ही मिलता है मूवी के आखिरी के 30 या 20 मिनट में। शुरू उस टाइप की ब्लैक पैंथर फील भी नहीं हो रही थी। बेसिकली मूवी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगा मूवी बुरी है। उन्होंने नेमो और दी सबमरीनर को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, लिखी अच्छे तरीके से, ये करेक्टर अच्छे तरीके से थे, लेकिन चैडविक बोजमैन की कमी फील हुई है और मेरी आंखें अभी भी नम है। मैं बात करते टाइम भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सीन भी याद आ रहा है जब चैडविक बोजमैन का वो पहला सीन जिसने मुझे रुलाया था ना मार्वल की मूवी में। मार्वल की मूवी में कभी रोया नहीं था, जो पहली बार मैं रोया था ना वो मैं सिविल वॉर देखते टाइम रोया था। जिस टाइम में टिचाला के अबू की डेथ होती है और वो अपनी बाजुओं में लेके बाबा चीखते है ना, तो चैडविक बोजमैन से ना उस टाइम मैं कनेक्ट हो गया था। मुझे फील हुआ कि भाई बंदे में एक्टिंग पैशन जो है ना, वो फील कर रहा है उस मूवमेंट को। और मैं पहली दफा मार्वल की मूवी देखते टाइम उस दिन रोया था। फिर उसके बाद मुझे याद है मैं दूसरी बार रोया था आयरन मैन की डेथ के ऊपर। वो एक लैदा सिनेरियो था, मेरी एक पर्सनल लाइफ का सीन भी था। माई ग्रैंड मा वॉज नॉट वेल एट दैट मोमेंट, और वो मूवी देखते टाइम जब उसमें आखिरी सीन था ना, उस मूवी के बिल्कुल लास्ट में, एंड गेम के बिल्कुल लास्ट में, जब आयरन मैन बोलता है कि पार्ट ऑफ द जर्नी इज द एंड, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज लाइक रियली कनेक्टेड टू माई ग्रैंड मा। मुझे फील हुआ कि शी वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और फिर थोड़े दिनों बाद शी पास्ड अवे। मैं उस दिन भी रोया था और आज मैं रोया हूँ। तो 3 बार रोया हूँ मैं मार्वल की मूवीज देखते टाइम, एक 2 बार चैडविक बोजमैन की वजह से रोया हूँ। एंडिंग में शूरी की एक्टिंग का सीन बहुत जबरदस्त था। मैं थोड़ा सा अभी स्टोरी के ऊपर बात कर देता हूँ कि मैं स्टोरी के लिए एक लैदा वीडियो बना दूँ यार। चलो मेरा ये रिव्यू टाइप में रख लेता हूँ, स्टोरी के ऊपर बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। मैं थोड़ा सा, मूवी मुझे अच्छी लगी है, मूवी में डिटेल में बात करता हूँ मैं दूसरी वीडियो में, थोड़ा मूड फ्रेश करके, क्योंकि इस मूड के साथ मैं स्टोरी के ऊपर बात करूंगा तो ज्यादती हो जाएगी। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड चैडविक बोजमैन यू विल बी मिस्ड, वकांडा फॉर एवर।